माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव तथा जिले के नोडल अधिकारी संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जेई एईएस पर प्रभावी रोक लगाने संबंधित बैठक आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी, बीएसएन बीएन सिंह, यूनिसेफ, WHO के प्रतिनिधि सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जापानी हेंसेफेलाइटिस की रोकथाम पर लगाम लगाने, अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति, साफ सफाई किए जाने सहित अन्य बिंदुओं पर क्रमवार चर्चा की गई। बैठक के पश्चात गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्राथमिकताओं में शामिल जेई एईएस की रोकथाम के लिए शासन पूरी तरह कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके रोकथाम के लिए 1 जुलाई से दस्तक योजना का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा जो 30 दिनों तक चलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिले के नोडल अधिकारी तथा अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा संजय अग्रवाल ने बताया। आपको जितना खर्चा निगमों देने में निगम से करा दूंगा, आप खर्चा पर करवा दूंगा। तीसरा बताइए मंत्री जी और पूरी सरकार एईएस की पूरी तैयारी के लिए पूरी प्रतिबद्ध है।
कटिबद्ध है, कोई किसी तरह कमी ना नहीं पाए, सारी व्यवस्था पूरी हो, उस सब चीज़ की जा रही है। खाली इलाज के अलावा प्रिवेंटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माननीय मुख्यमंत्री दिशा निर्देश के अंतर्गत एक दस्तक अभियान चलाया गया था जो 15 दिन का था, और वो अभियान 1 तारीख से फिर प्रारंभ हो रहा है 1 जुलाई से। इस बार अभियान 30 दिन का चलेगा, उसकी पूरी प्लानिंग यहाँ पे होने जा रही है। 29 तारीख को डिस्ट्रिक्ट कमेटी होगी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी पूरी तैयारी करके ब्लॉक लेवल कमेटी करके 5 तक नीचे तक सारे जनपद डिस्मिनेट हो जाएगा और प्रत्येक गांव में सारी टीम जाएगी, चाहे सफाई का हो, चाहे पानी के चेकिंग करने का हो, चाहे लोगों को जागरूक करना हो, स्कूली बच्चे भागीदारी करके जागरूकता की दूसरी बात हो गई। दूसरा, जहाँ पे केसेस निकल के आए, जैसे कुछ केसेस निकल के आए, उनमें क्या कमी रही, टीकाकरण कमी रही या फिर ना भी रही हो, तो जो भी केसेस निकल के आए हैं, डेथ केसेस हैं, उनकी डेथ ऑडिट करने के साथ साथ उन गांव में टीम जाएगी और देखना क्या भी कमी है, स्ट्रेंथन करना, लोग जागरूकता बनाने का करने कार्रवाई। ये मैं मोटे तौर पर कहना चाहता हूँ, सरकार इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि प्रत्येक बच्चा का इलाज समय से हो, समुचित इलाज हो और कोई व्यवस्था कमी ना हो। बेसिकली ये प्रयास से चर्चा में निकल के आया कि बहुत सारे जब हाई फीवर के पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, हो सकता है AGS हो, वहाँ पर पकड़ ना पाए, इलाज ना हो पाए, तो ऐसी व्यवस्था की गई है, करने की बात की गई है कि डॉक्टर्स जैसे ही पर्टिकुलर फीवर से ज़्यादा फीवर के आएंगे, उसकी सूचना एक हेल्थ डिपार्टमेंट में आ जाए, जिससे पता कर लें गांव का क्या है, उसका मोबाइल नंबर भी होगा, जिससे वो ट्रैक कर पाए कि फीवर ठीक हो गया नहीं हो गया। ऐसा ना हो कि केस सीरियस होने के बाद उस स्थिति में आए जब उसका इलाज मुश्किल हो जाता है और अनफॉर्चुनेट उसकी डेथ की जा रहा है, समय से इलाज हो जाए उसकी व्यवस्था की बात की गई है। BRD मेडिकल कॉलेज ट्रस्टी के रूप में काम करता है, उसके आज प्रिंसिपल साहब भी थे, सारे वेंटिलेटर पर उन्होंने काम कर रहे हैं, उसकी तैयारी की जाए। ये भी व्यवस्था की गई है कि जैसे दूसरे जिले से सीरियस पेशेंट अस्पताल के माध्यम से आएगा, उसकी पहले सूचना हो जाए, जैसे अगर सीरियस पेशेंट आ रहा है तो यहाँ पे उसके कुछ चीज़ में समय से गतिविधि ना हो, उसकी सफाई मेडिकल कॉलेज प्रॉपर होना, दवाई की समुचित व्यवस्था होना, डॉक्टर्स की उपलब्धता होना, नर्सेज की उपलब्धता होना और सारी कंटीजेंसी प्लानिंग करना कि 2010 का मैक्सिमम केस आए थे, उस केस की संख्या लेते हुए कि उस कंटीजेंसी प्लान कर लें कि वैसे केस नहीं आने चाहिए, कम होंगे, कोई तैयारी और सफाई काफ़ी अभियान चला गया, लेकिन तैयारी हमको वर्स्ट करनी चाहिए जिससे कि समय से समय करते प्रत्येक बच्चे की जान बचाई जा सके। धन्यवाद।